प्रेस लॉर्ड भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। इस वक्त मैं एक सरसों या राई के खेत में खड़ी हूँ। देखिए, सरसों और राई का जो पौधा है और पत्ते हैं बिल्कुल दिखने में एक जैसे होते हैं, सिर्फ उनके बीज में फर्क होता है। हमारे प्रभु यीशु ने जब स्वर्ग राज्य के बारे में सिखाया तो उन्होंने एक दृष्टांत का उपयोग किया। वो इस प्रकार बोले कि स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य लेकर अपने खेत में बोता है। वो सभी बीजों से छोटा तो है। अब मैं यहाँ पे एक मिनट रुकना चाहती हूँ। देखिए, इस बात को समझने के लिए मैंने क्या किया, हमारे किचन में साधारण तौर पर हम जो उपयोग करते हैं उसमें से सारे छोटे बीज को मैंने एक साथ रख के देखा तो यहाँ पे हम पा सकते हैं कि राई का दाना वाकई सबसे छोटा है। और इसी बात को शैतान भी हमारे जीवन में हमें निरुत्साह करने के लिए उपयोग करता है, क्योंकि हो सकता है आप प्रभु की सेवा में किसी रीति से लगे हो, हो सकता है आप बच्चों के बीच में काम करते हो, युवाओं के बीच में काम करते हो, या महिलाओं के बीच में काम करते हो, या कलीसिया की सेवा करते हो, किसी भी तरह परमेश्वर की सेवा में आप जुड़े हुए हो। शैतान अलग अलग लोगों के द्वारा आपसे यही कहेगा, अरे ये तो बहुत छोटा है, अच्छा ये है तेरा काम, ये तो कितना तुच्छ है। इस प्रकार की बातें सुनकर हमें निरुत्साह करने की, हमें हताश करने की वो कोशिश करता है, और हम भी कई बार ये सुनकर हमारा हिम्मत क्या है टूट जाता है। लेकिन ये देखिए प्रभु यीशु क्या कहता है, वो कहता है ये सबसे छोटा तो है लेकिन जब ये बढ़ता है तो और सागपात से, मतलब ये बाकी के बीज जो राई के दाने से बड़े तो हैं लेकिन जब वो उगते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो उनका मैक्सिमम हाइट जो है वो 1 या 1.5 फीट तक ही रहता है, मतलब मेरे घुटन तक ही वो पहुंचता है। लेकिन आप इस पौधे को देखिए, ये अभी ही 6 फुट का हाइट पहुंच चुका है। यदि मैं इसको ना काटूं, इसको ऐसे ही बढ़ने दूं, तो वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये एक 20 फुट की लंबाई तक, कम से कम 10-15 फुट तक तो ये पहुंचता ही है। और प्रभु यीशु ये कहते हैं कि आकाश के पक्षी, वो आत्मा जो एक शांति के लिए इधर उधर भटकता है, जो एक आसरा ढूंढ रहा है, वो आपके पास पहुंचेंगे। जब आपका काम बढ़ेगा वो आपके काम में उनको आसरा मिलेगा, उनको शांति मिलेगी। हालेलुया। देखिए, आपके हाथ में परमेश्वर ने जो काम दिया है, स्वर्ग राज्य का जो बीज दिया है, वो चाहे आपको जितना भी तुच्छ दिखे या जितना भी छोटा लगे, उसे आप जरूर बोए, क्योंकि उसके बढ़ोतरी देने वाला हमारा परमेश्वर है। क्योंकि यीशु ने ये नहीं कहा कि यदि ये बढ़ेगा तो, यीशु ने कहा जब ये बढ़ेगा, जरूर आप इसकी बढ़ोतरी देखोगे, आपका काम बढ़ेगा, प्रभु आपके काम को आशीषित करेगा। क्योंकि यीशु ने कहा मैं मेरे कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। परमेश्वर आपके साथ रहे। जो भी काम परमेश्वर ने आपको दिया है, चाहे वो जितना भी छोटा आपको लगे, वो काम को आप करें, परमेश्वर आपके साथ है, आपका काम बढ़ेगा, अनेक लोगों के लिए वो एक आशीष का कारण होगा। गॉड ब्लेस यू।